तो दोस्तों मैं हूं अन्नपूर्णा डेयरी फार्म जो वेस्ट बंगाल के वर्धमान जिले में है और यहां पे आप मेरे चारों तरफ गाय गाय देख सकते हैं। 6-7 महीने पहले पहली बार आया था जब, तो इस फार्म की अचानक में एक वीडियो हमने बनाई थी और काफी बढ़िया फार्म है और अच्छा खासा ब्रीड क्या नॉलेज और ब्रीडिंग पे काम करते हुए यहाँ पे आप जो सामने जो गाय देख रहे हो लगभग इसकी ये वाली लेंथ जो है लगभग 6 फीट से प्लस है और हमारे सीने के बराबर यानी के हमारे लगभग 5 फीट प्लस की गाय यहाँ पे आप खुद देख पा रहे हो। हाइट मेरे कंधे से समझ में आ रहा होगा। उस तरफ भी बछड़ियां भी काफी अच्छे अच्छे ब्रीड में आ चुके हैं। तो पूरे फार्म के बारे में कि कैसे इस फार्म को मैनेज करते हैं और डेयरी में अमूल को दूध देकर कैसे इतने सारे लेबर के साथ अपना फार्म को बेनिफिट में रखा है पूरी जानकारी दूंगा। उस पर कहूंगा अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे चैनल में, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आपको भी मेरे इस फार्म में बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले भी आ चुके हैं, थैंक यू, दोबारा आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम तो गलती से आ गया था अचानक में, लेकिन इस बार पहले से प्लान था कि आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आपके फार्म पे, पिछले बार से भी अच्छा डेवलप देखने के लिए मिला, चाहे वो छोटे बच्चे के रूप में हो चाहे वो हीफर्स में हो। यस, बहुत बढ़िया अच्छा तैयार कर रहे हैं आप, इसके लिए शुभकामनाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल में काफी अच्छे फार्मरों में से आपकी गिनती आएगी। सर कैसे, शुक्रिया इसके लिए। जी थैंक यू। कैसे इस फार्म के लाइन में आए, आपका दूसरा जॉब होते हुए भी इसमें कर रहे हैं, उसके बारे में देखिए। इसमें गाय पालना मेरा पैशन है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी यही है कि मैं, मुझे 2 मिनट भी खाली टाइम मिलता है तो मैं दौड़ के यहाँ चला आता हूँ। संडे सैटरडे तो हम देते ही देते हैं, बाकी छुट्टी का दिन भी हम घूमने जाना बंद कर दिया इसके चक्कर में। और इसमें जो हम ब्रीड डेवलपमेंट कर रहे हैं पर्टिकुलरली, उसके लिए ज्यादा ध्यान देते हैं। इसमें काफी सारा बच्चा मैंने बच्चिया भी हमारे पास आ चुके हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे ब्रीड में है और 8-9 महीना में उन लोगों का ग्रोथ भी काफी अच्छा हुआ है, वेट भी काफी अच्छा हुआ है, उसे अच्छा लगता है। और दूध का जो ब्रीड का जो दूध का मेन चीज है कि जैसे देसी गाय में मैंने जो क्रॉस ब्रीड है उसमें दूध का जो लॉन्गजेविटी है वो कम होता है, लेकिन ये जो भी ब्रीडेड गाय मेरे पास है वो जैसे 30 किलो में स्टार्ट किया, 7 महीना दूध देने के बाद अभी भी मैंने 35-36 किलो में था, वो अभी 27 किलो 25 किलो 26 किलो दूध करती है। इतनी गर्मी में भी? यस, गर्मी में दूध मेरा कम नहीं हुआ है, उसका फैट कम हुआ है, थोड़ा सा फैट कम हुआ है लेकिन दूध का क्वांटिटी कम नहीं हुआ है। और जो मेरे को सबसे माने अच्छा लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा अचीव कर लिया, मेरा गाय जो है रिपीट नहीं करती है, बट इस गर्मी में रिपीट भी किया है थोड़ा सा। उससे पहले तो बुरा लगा लेकिन बाद में मैं देखा नहीं, चलो अब थोड़ा सा वेट कर लेते, ठंडा आ जाए फिर सब हो जाएगा। अभी हमारा फिर भी हमारा 12 गाय बच्चा देगा अभी नवंबर तक, और जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 गाय है जो मेरे ख्याल से 35 किलो के आसपास दूध देगा नवंबर में जब बच्चा देगा। हाँ, 35 के आसपास में, 35 का प्लस होगा कुछ, कुछ 35 के नीचे होगा ऐसा होगा, मतलब 30 और 35 के बीच में। हाँ, शुरुआत हम फार्म के गायों से करते हैं, तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं बछड़ियाँ, इसमें कौन सी ब्रीड की बछड़ी है? ये जो बैठी हुई है ये एबीएस का हैमर का है, हैमर, वो भी हैमर का है, हैमर, ये सेक्स सीमन का है, वो कन्वेंशनल सीमन का। अच्छा, दोनों मतलब बछड़ी आ गई, दोनों बछड़ी, ये भी बछड़ी है, ये स्ट्राइकर का है। ओके, तीनों एबीएस। यस, ये तीनों बछड़ा है, वो वाला बछड़ा है जो बैठा, हाँ, उस साइड में बछड़ा है, ये बछड़ा है, लेकिन ये मेरा सबसे पसंदीदा बच्चा होने वाला था, 68, लेकिन बछड़ा निकल गया, अब क्या करें, क्या करें, जो चाहिए रहता है वो नहीं आता है। ये जो है ये हमारा घर का तैयार किया हुआ नॉन ब्रीडेड हीफर्स है दोनों, ये कब बच्चा देगी ये तो 5-6 दिन में बच्चा देगी। ओके, और इसका थोड़ा सा टाइम बाकी है अभी, ये नॉन ब्रीडेड है, यानी कौन सा सीमेन लगा है ये आपने ध्यान नहीं दिया ना, ये मैं बिहार से गाय खरीदा था उसका बच्चा है, लेकिन बहुत अर्ली कंसीव किया और अर्ली अभी 2 दांत का है ये। ओके, तो मेरे को लग रहा है दूध भी बहुत अच्छा करेगी ये, बिल्कुल थनबट से अच्छा है, गैप अच्छा ले रही है। दूसरा ये जो है देने वाली है, इसको मेरे ख्याल से 1.5 महीना बाकी है अभी, 1.5 महीना बाकी, 1.5 महीना बाकी है। ओके, 1 से 1.5 महीने के बीच में वो अच्छा देगा। ये इसका, ये तो अभी बच्चा दिया है, आज 5वां दिन है, चौथा दिन है। ओके, ये सेकंड टाइम बच्चा दिया मेरे घर में, और इस बार मेरे को लगता है ये गाय, लास्ट टाइम ये 28 किलो पिक गया है, पिक पे गया है, हाँ, इस बार देखते हैं, मेरे उम्मीद से तो ये 34-35 किलो होगा, 34 जाना चाहिए, अभी अभी तो ये 17 किलो 17.5 किलो दूध कर रही है, 4 दिन तो अभी 4 दिन हुआ है, तो वो तो बढ़ेगा। यस, ओके, इसके बारे में, इसका पुरानी गाय है? नहीं पुरानी नहीं है ये, मैंने अभी खरीदा है इसको, एक पंजाब से गाय लाया था जो प्रेग्नेंट नहीं निकला, फिर इसको मैं उसको देके इसको खरीदा। अच्छा, हाँ, पिछले वीडियो में जो आपने बताया था, काफी बड़ी गाय थी, काफी बड़ी गाय थी, उसमें थक गए, उसमें बच्चा नहीं दिया,
फिर उसको दे के मैं इसको लिया, चलिए कम से कम पैसा मिला भी है। लेकिन ये गाय भी देखने में इतना छोटा सा है, लेकिन ये पीक में 24 किलो तक गया है, अभी भी कर रही है, 22 किलो 23 किलो अभी भी दूध कर रही है। ओके, अब हम आपके जर्सी जो उस टाइम प्रेग्नेंट थी, हाँ वो प्रेग्नेंट थी, ये मैक्सिमम 24 किलो गया है, 24 किलो गया, हम लोग अंदाज भी लगाया था 24-25 किलो के बीच में जाएगी। फिर इसके बाद इसको अभी 15-20 दिन पहले फाइलेरिया हो गया था, तो थोड़ा ये दुबला हो गया, बट रिकवर कर लिया, अभी फिर 16-17 किलो दूध पे आ गया है। ओके, इसके बाद जो है ये मेरा फार्म का सबसे हाईएस्ट दूध देने वाला गाय है, ये लास्ट 36 किलो तक दूध दिया है उस पे। प्रेग्नेंट है ये? एक बार ये प्रेग्नेंट का अबॉर्ट हो गया, इसका तबियत खराब हुआ था, अबॉर्ट हो गया, फिर अभी सीमेन दिया। कितना दूध कर रही है अभी? अभी ये 25-26-27 ऐसे कर रही है। अच्छा, 25 प्लस कर रही है। हाँ, 6 महीने से ऊपर हो गया दूध देते हुए। ओके, जो सबसे ज्यादा चौड़ा में गाय है, लगभग 6 फीट प्लस है। यस, ये पंजाब से आपने खरीदा था? ये भी ये अभी दादा इटा को दूध दे अखन सत्रह किलो के करीब दूध देती है। अभी इसको ड्राई करना है हमको, प्रेग्नेंट है, जुलाई में ड्राई करना है इसको, जुलाई में ड्राई करना है, यानी जनवरी में सीमेन लगा है आपने, इसको लगाया है तो कितना, कौन सा सीमेन लगाया है इसमें? इस पे लगाया है 40-128 कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल लगाया है। ओके, था नहीं उस टाइम। और ये दोनों, ये दोनों तो अभी, ये तो अभी बच्चा दिया है, इसमें कन्वेंशनल से वो आया है, हैमर का बछिया आई, बछड़ी। ओके, ये पिछले दो बार, ये थर्ड टाइम बच्चा दिया हमारे यहाँ पे। इस गाय का एक खूबी है, ये एक बार में गाभिन होती है। अच्छा, और ये एक महीने के अंदर गाभिन हो जाएगी। हाँ, बच्चा देने का। हाँ, इसीलिए ये पिछले दो ब्याह पे ये 15 किलो और 18 किलो दूध दिया, लेकिन इस बार 24 किलो पहुंच गया अभी। अच्छा, इस बार अच्छा दूध कर रही है, इस बार अच्छा से मोटी ताजी भी है। और ये मेरा घर का बाछी है, इसका एक बाट खराब हो गया, 3 बाट है, लेकिन 3 बाट पे ये 22 किलो दूध कर रही है। 22 दूध कर रही है, कर रही है। ओके, बहुत बढ़िया। ये कंसीव भी कर लिया एक महीने के अंदर, कंसीव भी हो गई। 40-433 सेक्सल है इसमें, 40-433 सेक्सल सीमेन लगा है। ओके, वो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गया। हाँ, जला। और यहाँ पे ये तो मेरा दोनों देसी गाय है, जर्सी में देसी, लेकिन इस बार ये 19 किलो दूध तक गई है। ये 19 केजी तक की, ये छोटी सी गाय है, हम लोगों को दूध का रानी है ये। अच्छा, और ये तो है अच्छा, ये फिर प्रेग्नेंट हो गया है, वो भी प्रेग्नेंट हुआ है, लेकिन वो अभी दोनों अभी दूध भी कर रही है, दोनों अच्छा दूध करती है। ये वो दूध करती है करीब करीब 16-17 किलो, और ये करती है करीब 14 किलो। ओके, ये हमारा 9th लैक्टेशन पे, आपके फार्म पे। हाँ, ये 9th लैक्टेशन पे बच्चा देगा, ये प्रेग्नेंट हो गया है। इसमें मैंने 2 बार ये रिपीट किया है, इसलिए इसको मैंने 40-432 से डाल दिया इसमें, तो हो गया वो 40-432 डाल दिया तो कंसीव कर गई, कंसीव कर गई, क्रॉस करने पे हो जाता है। ओके, ऐसा लोग कहते हैं, मैंने सुना तो कर दिया। हाँ। ये इसको भी सीमेंट डाला है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये बच्चा देगा अक्टूबर में। ओके, लेकिन अभी भी ये बहुत अच्छा दूध करती है, पतली सी छोटी सी गाय है, क्रॉस ब्रीड है, लेकिन ये 18 किलो मैक्सिमम दिया, 1 साल दूध दे रहा, अभी भी 11 किलो दूध करती है सारा दिन में। ओके, 1 साल हो गया इसको, काफी कई बार ये रिपीट किया है। अच्छा, ये तो कल्टूदा का गाय है, लाए थे, ये 3 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो गया है। इसमें 65 का स्टारपी है सीमेन। ओके, ये भी अक्टूबर में बच्चा देगी, अक्टूबर में देगी। हाँ। ओके, नहीं अक्टूबर नहीं, नवंबर में बच्चा देगी। ओके, ये बच्चा दिया 1 महीना हुआ, ये भी कंसीव कर गई, इसको 40 हो गया और सीमेन लग भी गया, 27 दिन पे ये कंसीव कर गया। ओके, 40-433 इसमें डाला हुआ है, 40-433। ये बच्चा करेगी जुलाई नहीं, अगस्त 2-3 तारीख को। ओके, इसमें सेडर है, WWS का, WWS का सेडर, वो जर्सी का है। अच्छा, इसमें आपने जर्सी लगाया है। और ये सबसे फार्म की सबसे बड़ी बछड़ी। हाँ, ये बड़ी बछड़ी, ये मैंने कल्टूदा से लिया। हाँ, इसमें 700-800 किलो होगा, 800 किलो का ऊपर होगा, 800 के ऊपर होगा ना, बहुत बड़ी बछड़ी है। हाँ, ये कौन सी है? ये 40-120 का है। अच्छा, और इसपे सीमेन है 40-128। अच्छा, लेकिन कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल है, वो श्योर क्या होगा नहीं मालूम। ये भी कल्टूदा का फार्म का बच्चा हम लाए थे, लेकिन उनका पास से हम प्रेग्नेंट बोल के लाए थे, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं थी। हाँ, फिर हमारे यहाँ पे प्रेग्नेंट हुआ, ये अक्टूबर में बच्चा देगा, ये सितंबर में देगा। इसमें क्या लगाया आप? इसमें भी 128 है, 128 नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल, सब नॉर्मल, उस टाइम 6-7 था नहीं मेरे पास। ये जो है इसको, ये गाय रिपीट तो नहीं किया, लेकिन बहुत बार बीमार हुआ। लास्ट टाइम पे ये पीक पे 33 किलो दूध दिया है, और इस बार ये बच्चा देगा अगस्त का 16-20 के बीच में। ओके, यानी ड्राई पे है, ड्राई पे है, अभी ड्राई है, इसको एकदम खाना आना बंद कर दिया, क्योंकि ये 16-17 किलो दूध कर रही थी अभी, उसको दूध बंद करने के लिए हमने एकदम खाना बंद कर दिया, तो दुबली हो गई। ठीक है, अभी उसको विटामिन AD3 आयरन फॉस्फोरस सब दे रहे हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये जल्दी रिकवर करना शुरू किया, ये सब थाई निकल रहा है ना, ये पहले थाई नहीं था,
और ये मेरा इस बार 6th लैक्टेशन पे बच्चा देगा। 6th? हाँ, ये ऐसे ही इसमें है तो ब्रीड काफी होल्स्टाइन का, दूध भी अच्छा करती है, लेकिन एज हो गया है अब इसमें, वो है स्ट्राइकर। स्ट्राइकर, ओके। अब तो हम लोगों ने सभी पूरा फार्म की गाय सबको ही देख लिए, पूरा फार्म के बारे में ये बता रहे हैं, ये सब हमारा जो है ना वर्क फोर्स है। हाँ, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। ये सबसे पुराना आदमी है हमारा। हाँ, ये भी काफी दिन है, वो तो मेरा गांव का ही लड़का है। ओके, और ये आजकल हमको बीच बीच में साथ देते हैं। अच्छा, तो ये भी हमारा गांव का ही है। और ये बड़े भाई? हाँ, बड़े भाई हैं, और वो हमारा पास में ही रहते हैं। अच्छा, अब हम लोग जानेंगे कि आपका मैनेजमेंट कैसे है, कैसे खिलाते हैं, कैसे क्या खिलाते हैं, उसके देखिए बारे में खिलाने बताएं। में क्या है, हम लोग जो है पुआल यूज करते हैं, क्योंकि इधर तो धान का खेती होता है, और इस साल हमारे पास पुआल बहुत अच्छा है कि गर्मी का जो पुआल होता है वो बहुत उसमें हरापन रहता है, तो वो पुआल बहुत इफेक्टिव होता है, तो उसको हम मिला के खिला रहे हैं उसके साथ, सर्दी वाला पुआल के साथ। पुआल कम यूज करते हैं, इस गाय को हम लोग 1 किलो के आसपास पुआल देते हैं, बाकी ग्रीन फॉडर हमारे पास काफी है और साइलेज हम देते हैं। अभी सबको साइलेज खिला रहे हैं, ईच एंड एवरी गाय को साइलेज दे रहे हैं, सूखा, सबको सूखा सब खिलाते हैं। सूखा खिलाते हैं। और फीड में हमारा मिनिमम 3 किलो है कोई भी गाय को, और उसके ऊपर जो पूरे जैसा, दिन का 3 किलो? वन टाइम नहीं तीन किलो नहीं नहीं 1 टाइम 3 किलो, वन टाइम 3 किलो मिनिमम दूध कर क्योंकि रही है मेरा या नहीं सब कर? गाय करीब प्रेग्नेंट है, और दूध लगभग करे चार या सौ ना के करे। जी बॉडी वेट हाँ, प्लस बॉडी है, वेट भी तो ज्यादा बॉडी है। वेट के हिसाब से तो दाना देना पड़ेगा। हाँ, तो 3 किलो दाना सवेरे, 3 किलो शाम को देते हैं, और जो मिल्किंग काउज है उनको 4 किलो, 4.5 किलो, 5 किलो, जो जैसा दूध देता है उसके जो हिसाब जैसे कि से, सबसे बड़ी गाय आपके 35 लीटर, वो उसको अभी हम लोग 4.5 किलो, 4.5 किलो, 9 किलो फीड देते हैं, 9 किलो फीड में हो जाता है, एकदम हो जाता है। और बाकी जितना साइलेज, कितना साइलेज होता होगा साइलेज उसका? उसको देते हैं हम लोग 2 बार में करीब करीब 22-24 किलो, और हरा चारा अलग? हरा चारा 22-24 किलो होता है। हरा चारा भी 22-24 किलो, तो उसका मेंटेन हो जाता है। हाँ। पूरा दिन इनके सामने दाना सूखा रखा रहता है या फिर कैसे करते हैं आप, नहीं, कैसे? जो खा लेते हैं उसमें हम पानी डाल देते हैं, क्योंकि पानी का इस एरिया में हमारा अलग से नाद नहीं है, हाँ, लेकिन उसमें ये आपने लोग, ड्राम रखा है? हाँ, इसमें क्या है, ये लोग जितना है यहाँ पे, इन लोगों को खाना देने का 10 मिनट बाद खाना खत्म कर देते हैं, 10 से 15 मिनट में इनकी आदत हो गई है। आदत हो गई, फिर उसके बाद हम लोग पानी डाल देते हैं इसमें, तो वो सारा दिन पानी पीता रहता है, फिर शाम को दिया, अभी सब खत्म हो जाएगा तो फिर पानी डाल देंगे, तो सारा रात वो पानी पियेंगे और बैठे बैठे आराम फीड करेंगे। अपने फॉर्मुलेशन से बना रहे हैं? फीड अपने फॉर्मुलेशन से बना रहे हैं। फीड में पहले हम लोगों को सोया नहीं मिलता था, अब सोया का माने रेगुलर सोर्स हम लोगों को मिल गया है, और सोया हम 15% यूज करते हैं, उससे अच्छा है रिजल्ट, क्योंकि मैंने फीड का टेस्टिंग भी करवाया, कितना प्रोटीन आया आपका? 23-24% प्रोटीन आ रहा है। ओके, फैट? फैट 5.55 ऐसा आता है। अच्छा, 5+ का 5, हाँ तो हाँ हाँ फैट है तो अच्छा ही है। अच्छा फैट है, और उसमें हम सप्लीमेंट केमिन का यूज करते हैं, पूरा पूरा केमिन का सप्लीमेंट यूज करते हैं, और कोई यूज ही नहीं करते हैं। केमिन का बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया है, हाँ 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 अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। मैक्सिमम प्रोडक्ट उनका अच्छा है, और उसके अलावा मैं कुछ यूज करता हूँ जैसे AD3 और आयरन का और फॉस्फोरस का सप्लीमेंट, वो अलग कंपनी का देते हैं, लेकिन देते हैं हम सब गाय को, ओके क्योंकि उसके बिना सब गाय का जो है ना BCS कम हो रहा था, तो वो देने के बाद सब मोटा मोटी फिर ठीक हो गया है। ओके अब हम जानेंगे कि इसमें कितनी गाय मिल्किंग पे है। मिल्किंग पे अभी हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 गाय मिल्किंग में है, कितना दूध हो रहा है 230-232 किलो दूध होता है सारा दिन। और बाकी सब कितनी गाय ड्राई पे है? टोटल ड्राई पे ज्यादा है, ड्राई कितनी है? पे टोटल टोटल 22 गाय है। 22 है, बछड़ी गाय उधर वाला ना मिला ना, के? गाय 22 है, बछड़ी अलग है, बछड़ी कितनी है? बछड़ी है 4, 3, 7, 7 बछड़ी है, 7 बछड़ी है और और एक बाईस हीफर है, मतलब बड़ा हीफर आठ हो है, गया, 8, 22, 8, 30। 30। टोटल 30 पशु है जिसमें 10 गाय मिल्किंग पे है। 225 से 230 लीटर दूध का आ रहा है। इससे दूध कहाँ जा रहा है? दूध अमूल में हमने दूध अमूल बताया में देते हैं, जैसे। कुछ लोकल सेल होता है, ओके, लोकल क्या हम 45 रुपए सेल फैट करते हैं। एसएनएफ आ रहा है? आपने बताया फैट कम हो SNF गया अभी है पहले कम हो से। गया है, अभी कम हो रहा है, वो दिन में 35-36-38 तक आता है, और रात में भी 38-39 ऐसा ही आता है, 40 मैक्सिमम क्या कभी रेट कभी मिल आता है, जाता है इसका? 37 रुपए के आसपास हो गया 37 रुपए का एवरेज। एवरेज। इन जितना दूध के पैसे से जो आपके सेना लोग का पेमेंट देखिए उनका हमारा, खिलाने का मैं बता रहा हूँ खर्च? आपको, हमारा एक एक दिन में जो दूध अभी सवेरे जो दूध बिकता है उसमें हमारा सारा दिन गाय का खाना हो जाता है, और बाकी शाम को 3,500 रुपये जो मिलता है वो हमारा सेना लोगों का पेमेंट, दवाई ववाई मिलाई मिला के भी हमारा मिनिमम 1,000 रुपये रहता है। ये सबसे खराब टाइम में मेरा है, अभी तो और 2 महीना बाद मेरे पास करीब 200 किलो दूध बढ़ जाएगा, तो वो पूरा प्रॉफिट में पीक आ पे कितना जाएगा, जाता है? 400 लीटर इस बार चला जाएगा इस बार चला जाएगा, लगभग 350 हो गया था, 315-320 ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है, इस बार 400 तक जाने का अनुमान है। जाएगा, अनुमान नहीं, एकदम डेयरी जाएगा। फार्मिंग में आपके बंगाल के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा बंगाली में भी बोलिए और हिंदी में भी बोलिए। हिंदी में देखिए, डेयरी फार्म नहीं, कोई भी आदमी हो वो दुनिया में कहीं भी है, अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो
सक्सीड करेगा और इंटरेस्ट नहीं है, अगर खुद नहीं काम करता है, सिर्फ वीडियो देख के और लोगों का बात सुन के कुछ नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करना है, पैसा भी लगाना है आपको। अगर आप सोचिए, हमको मालूम है कि एक महीना बाद हमको 1 लाख रुपए मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसके लिए मुझे पैसा लगाना भी पड़ा, वो पैसा लगाना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि आपको 1 लाख रुपए ऐसे ही फ्री में मिल जाएगा, वो तो होगा नहीं कभी भी, चाहे वो गाय पे हो, चाहे गाय को खिला के रखना हो, सब मिलाकर। और कोशिश ये करिए जो भी फार्मर है कि गाय मैक्सिमम दूध आप ठंडा टाइम मिले, उस पर आपको जो प्रॉफिट मिलता है आप सारा साल वो प्रॉफिट मत देखिए, उसको एवरेज प्रॉफिट पे मानिए, तो आपका फार्म चलेगा। आप अगर सोचेंगे हमको लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो उस दिन आप रोते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तब तो आप गाय को ज्यादा खिलाते नहीं है ना। तो इसीलिए एक एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा। और बंगाल में जो है लोग फार्मिंग का 5, 6, 7, 8 लोग बहुत अच्छा फार्मिंग कर रहे हैं, और बाकी लोग अभी भी सब सोच में है। दो गाय पाल के फार्मिंग नहीं होता है, गाय पालने के लिए आप 2 से स्टार्ट करिए, बट आपका मेन एम मोटो होना चाहिए, हम 2 गाय से 3 गाय करेंगे, 3 से 6 गाय करेंगे, 6 से 8 गाय करेंगे, ये चीज होना चाहिए, और ये करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन बंगाल में ये बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, काफी यंग लड़के बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं और नॉलेज भी काफी गेन किया है। आपका कितने साल का इसमें एक्सपीरियंस है? इसमें तो मेरे को, मेरा जितना एज है उतना एक्सपीरियंस है। शुरू से गाय रहता है? हाँ, शुरू से गाय इतना नहीं रहता, 5-6 गाय मेरे घर में हर टाइम रहता था। अभी बिजनेस को रूप कब दिया आपने? 4 साल हो रहा है। 4 साल? 4 साल इतना बड़े में है, लेकिन गाय का बिजनेस का रूप, मतलब गाय का खाना से गाय को खाना खिलाना मेरा लास्ट 30-35 ईयर्स से है। ओके, इसमें कितना इन्वेस्ट कर चुके होंगे आप? इन्वेस्टमेंट का ऐसा, हम तो इन्वेस्टमेंट बहुत धीरे धीरे किया है, फिर भी हिसाब नहीं है, लेकिन होगा 20-25 लाख होगा सर, मुझे नहीं लगता ज्यादा होगा। ज्यादा होगा उससे, मुझे लगता है कम से कम 30-40 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ होगा। वो तो सिर्फ, तो 30-40 लाख का तो गाय ही है सिर्फ। हाँ, 30-40 लाख का तो आपने गाय खरीदा होगा पंजाब से, यहाँ से, वहाँ से, ये करीब करीब 50-60 लाख रुपए खर्चा हुआ होगा टोटल। इसमें से कुछ गाय के इनकम से भी हुआ होगा और कुछ अपना भी लगा होगा। शुरू में मैंने ये जो पोर्शन है, एक पोर्शन किया था, इसी से हुआ है। मैं घर से नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मेरा ये अलग अकाउंट है, इससे हमको जो भी प्रॉफिट मिलता है इसको हम, हाँ ये चीज है, इसको जो प्रॉफिट होता है उसको हम अपना काम में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा भाई का काफी जमीन में खेती करते हैं, हम नौकरी करते हैं, तो इसका पैसा को हम लोग तोड़ते नहीं है, इस पैसा को हम लोग इसी पे इन्वेस्ट करते हैं। जो भी हमको प्रॉफिट होता है हम कुछ ना कुछ करते हैं, सेट बढ़ा लेते हैं या कुछ कर लेते हैं ऐसे करके। तो अभी तक के जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो गाय के बेनिफिट से भी इन्वेस्ट किया गया है? बिल्कुल, गाय का बेनिफिट से इन्वेस्ट किया। अगर हम शुरुआती इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआत में जो है, शुरुआत में करीब करीब ये समझ लीजिए हमको 5 से 6 लाख रुपए इस फ्लोर और गाय और सब मिला के किया था, और उसी से इतना हो गया। 4 साल कर रहे हैं कंटिन्यूअसली और उसी से इतना हुआ है, वही गाय से, और कोई अपना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी कभी ना। मैं बोल रहा हूँ ना, इनका जो प्रॉफिट होता है वो मैं लेता नहीं हूँ, उसको मैं कभी भी हमारा परिवार चलाने के लिए यूज नहीं किया। यूज नहीं किया ना। मतलब जब कभी भी जो गाय, आपने गाय का बेनिफिट हुआ वो अलग सेव करके रखा, उसी से गाय खरीदा और उसका मैं, देखिए ये मेरा जो ट्रेड लाइसेंस है, जो मेरा नाम है इस कंपनी का, इसी अकाउंट है, इसी अकाउंट से हम सारा कुछ करते हैं, हम अपना अकाउंट से कुछ नहीं करते। ओके, यानी ये बिजनेस आपको कुल मिलाकर बढ़िया लग रहा है? लेकिन बहुत रिस्की बिजनेस है। देखिए ये गाय बच्चा दिया है, सिक, देखिए खाना नहीं खा रही है, जबकि ये सेकंड टाइम बच्चा दिया, एकदम स्वस्थ गाय है, अब इसको ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल, उतना जानकारी होना भी जरूरी है, ये तो धीरे-धीरे ही होगा। यस, टाइम लगेगा। टाइम तो हर चीज में लगता है, एक दिन में मुझे हो जाए तो मुश्किल है। देखिए मिस्त्री भी जो बनता है ना, ये जो हम लोग बनाए हैं ये एक दिन में कोई नहीं बनता, वो भी करते 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 सीखता है। बिल्कुल, तो यही करते करते हम लोग सीखे हैं। पहले हम लोगों का क्या होता था, गाय का थन फूल गया तो डर जाते थे हम लोग, अब डर नहीं लगता, उसको हम लोग ठीक करते हैं, कैसे ठीक करना है वो चीज सीख लिया, बस आदत सी हो गई। आदत हो गई है। आपको मालूम है कि ये जब इसका बच्चा हुआ, मैं और मेरा भाई इसके जो जो दवाई का जरूरत पड़ता है ना, लगते हुए भी मैं ला के रख दिया, क्योंकि मान लीजिए इसका तबीयत खराब है, अब हम 2 दिन इसको दवाई लाने में लगा देंगे तो गाय और बिगड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए वो चीज पहले से रेडी रखना पड़ेगा, आपको सोच के करना पड़ेगा, इस पे जरूरत नहीं होगा किसी और पे जरूरत होगा। आने वाले दिनों का क्या प्लान है? आने वाला दिनों का प्लान ये है कि सब ब्रीडेड गाय को हमको डेवलप करना है और गाय कम करना है, कम गाय से ज्यादा दूध लेना है, ये मेरा फाइनल मोटो है। सब कुछ अच्छा लगा आपके फार्म पे, थोड़ा सा अगर व्यवस्था में खुला गाय रखा जाए तो काफी ज्यादा। ये आपने बोला है इसको मैं जरूर सोचूंगा, एकदम तुरंत नहीं होगा लेकिन ये हम करेंगे, ये मेरा प्लानिंग में है। उसके उससे जो है ना, ये गाय का बीमारी आधा कम हो जाएगा, आधा कम हो जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा ह्यूमिडिटी बन रही है आपके फार्म में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। थैंक यू, आप आते रहिए ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी मौका मिलेगा कलकत्ता आने का तो आपके फार्म पे मस्ट वेलकम रहेगा हमारा। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों लगभग सारी जानकारी इस फार्म के बारे में हमने ली है, A to Z, एक एक गाय के बारे में भी हमने जाना, कौन सी गाय कितनी दूध कर रही है, किस लैक्टेशन में है और कितना कितने दिन का सीमेन ली हुई है, कितना दिन पहले बच्चा दी है,
कितना दूध कर लेती है, पूरी जानकारी ए टू जेड हमने इस वीडियो में दी है। कैसे इस फार्मिंग को कितने दिन के बाद, कितना इन्वेस्ट के बाद यहाँ तक लाया गया इस फार्म को। कैसा लगा है वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।